News 18, India. और चर्चा का ये सबसे बड़ा मंच अपने अगले बेहतरीन पड़ाव पर पहुंच चुका है। न्यूज 18 इंडिया का ये चौपाल अब एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे बीच यहां पर आ चुकी है। वो जो राजनीति भी करती है तो पूरी शिद्दत से करती है, अगर वो कुछ भी करती है अपनी जिम्मेदारी को निभाती है तो शिद्दत उसमें नजर आती है। चाहे महिला और बच्चों के अधिकारों की बात हो, राजनीति हो, अभिनय हो या फिर विरोधियों के खिलाफ ताल ठोकना ही क्यों ना हो। राजनीति में आने से पहले भी हर घर में उनकी ही चर्चा होती थी और अब भी होती है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए, मंच पर हमारे साथ स्मृति ईरानी मौजूद हैं और साथ ही अमीश देवगन जी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। इस सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। ये सेशन छोटा जरूर रहेगा लेकिन मुझे उम्मीद है कि खबरों के लिहाज से बहुत बड़ा होगा। स्मृति जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 के मंच पर। अभी कुछ मिनट पहले ही खड़गे साहब इस मंच पे आए थे और कहा कि कांग्रेस तो तब भी थी जब देश में कुछ भी नहीं था। बताइए क्या कहती हैं आप? देश रहेगा, कांग्रेस रहेगी या नहीं रहेगी ये जनता को डिसाइड करना है। लेकिन जिस अहंकार की अनुभूति इस मंच ने कांग्रेस के एक नेता के माध्यम से देखी, मुझे लगता है वही अहंकार 2014 में 2019 में तो चकनाचूर हुआ ही था, 24 में पुनः वो अहंकार चकनाचूर होगा, ये मोदी के वोटर की गारंटी है। जी, लेकिन अभी आप लोकतंत्र के मंदिर से आ रही हैं, संसद से आ रही हैं और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी का लोकसभा में भाषण हुआ और प्रधानमंत्री मोदी ने आज मोटर मैकेनिक की भी बात करी और अलाइनमेंट की भी बात करी। तो अलाइनमेंट विपक्ष की बिगड़ रही है, दिख रही है, लेकिन आप लोगों की अलाइनमेंट जो है वो सुपर कॉन्फिडेंट दिख रही है, कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? स्मृति जी, आपने जितना प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक सफर को देखा है तो उसको देखते हुए कम से कम जितने भी विशेषज्ञ हैं राजनीति के वो इस बात से सहमत होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी कॉन्फिडेंस से ओतप्रोत होते हैं लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस के कभी शिकार नहीं हुए। और जब हमारे सर्वोच्च नेता स्वयं लोकतंत्र के मंदिर में डंके की चोट पर कहते हैं कि बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार, तो कहीं ना कहीं उन्होंने सुशासन के मुद्दे पर जनता के मध्य में जो अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है, जनता का सतत हर चुनाव में नरेंद्र मोदी के प्रति जो भाव रहा है उसको देखते हुए ही इस आंकड़े को कहा है सदन में, और मोदी ने कहा है तो मोदी ही मुमकिन कराएंगे। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी एनडीए का नंबर 400 पार कहते हैं तो राहुल जी की न्याय यात्रा भी चल रही है और कांग्रेस को लगता है कि उस न्याय यात्रा से 100 सीटों पर डायरेक्ट असर पड़ेगा, और जब डायरेक्ट असर पड़ेगा तो फिर बीजेपी 400 पे कैसे आ जाएगी? हमने असर देखा था विधानसभा के चुनाव में, जहां जहां से राहुल गांधी की यात्रा गुजरी थी वहां वहां भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। तो अगर ये जानते हुए कि जहां जहां राहुल गांधी ने पग धरे हैं वहां पर कांग्रेस को हार के अलावा कुछ नहीं मिला, तब भी उनकी जिद है कि वो यात्रा निकालें तो निकालें। लेकिन चूंकि आपने खड़गे जी के सत्र का उल्लेख किया तो ये भी आपने शायद बारीकी से देखा होगा कि जब आपके पत्रकार ने उनसे पूछा कि खड़गे जी कितनी सीटें आएंगी तो उसका जवाब राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के नहीं दे पाए। एक सवाल, आप बीजेपी पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं, जेपी नड्डा कहते हैं, आप कहती हैं, लेकिन अब तो खड़गे जी अध्यक्ष है तो परिवारवाद है क्या? आज भी प्रधानमंत्री ने लोकसभा में बोला आज भी अगर एक परिवार चला, आज भी अगर आप खड़गे जी की व्यवस्था को देखें जी तो अगर कुर्सी पर मध्य में और मुख्य कुर्सी पर कोई बैठता है वो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बल्कि गांधी परिवार का कोई सदस्य बैठता है। तो क्या जो कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री का कार्यालय रिमोट कंट्रोल से चलते देख रही थी, क्या आज पार्टी के अध्यक्ष का ऑफिस भी वो रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं? ये कहीं ना कहीं विश्लेषण का विषय है। अब तो अमेठी में आपने घर भी बना लिया है, नए घर की आपकी तस्वीरें देखी, और इसका मतलब इस बार भी अमेठी की तैयारी पूरी है, और इस बार अगर भाई की बजाय बहन आ गई लड़ने के लिए तो क्या करेंगी स्मृति जी? मुझे लगता है 2019 के चुनाव के बाद उस पूरे इलाके ने मिजाज सा बना लिया है कि गांधी खानदान को धूल चटाएंगे, और ये अहंकार का विषय नहीं है। 2019 के बाद 2022 में विधानसभा का जो चुनाव हुआ था
पांच में से चार विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी, वो हार के इतने करीब अपने राजनीतिक इतिहास में लोकसभा चुनाव की दृष्टि से कभी नहीं रहे जितना 2024 में है। तो क्या आपको लगता है कि बीते पांच सालों के अंदर या फिर बीते 10 सालों के अंदर नरेंद्र मोदी ने इतना काम कर लिया है कि बीजेपी को 400 पार, एनडीए को 400 पार का मैंडेट मिलेगा, लेकिन ईडी और सीबीआई का भी इस्तेमाल बीजेपी कर रही है, ऐसा विपक्ष के अधिकतर नेता कह रहे हैं। देखिए, एक मुख्यमंत्री जेल में चले गए हेमंत सोरेन, दूसरे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को ईडी का सम्मन जा रहा है, तो आप लोग चाह क्या रहे हैं? मतलब देखिए, चारा खाएं वो, घोटाला करें वो, जमीन खाए उनका दामाद, और आरोप आप ईडी पर मढ़ेंगे तो ये कहां का नया है। और जहां तक राजनीतिक भूचाल की बात है तो अमेठी क्या सुनने में आए, रायबरेली की सीट में भी कोई भूकंप आने वाला है। जो अमेठी में सीट बदल रहे थे, अब शायद रायबरेली में भी सीट बदलाव की अटकलें आ रही हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, इलाके में मिजाज ऐसा है कि गांधी खानदान को हराया जाए और इलाके को कांग्रेस पार्टी से, गांधी खानदान से मुक्त किया जाए। मेरे दो और सवाल हैं। क्या महंगाई एक विषय है जिसको बार बार विपक्ष उठाता है, और महंगाई के विषय के ऊपर बीजेपी के पास जवाब नहीं है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि आज प्रधानमंत्री जी ने देश की संसद में महंगाई के संदर्भ में भी जिन आंकड़ों का उल्लेख किया, श्रीमती सोनिया गांधी सामने विराजमान थी, उन्होंने एक भी उसके खिलाफ स्वर नहीं उठाया। ये सत्य है कि जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, साल 2014 में सरकार परिवर्तन से पहले डबल डिजिट का इन्फ्लेशन हमारे देश ने देखा, तब ना कोविड की भयावह कोई परिस्थिति रही, ना कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो देशों के बीच में कोई द्वंद्व रहा, तब भी महंगाई ऊंचे दर पर रहने का कारण क्या, इसका जवाब कांग्रेस नहीं दे पाई। इसीलिए आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब जब कांग्रेस आई है संग महंगाई लाई है, तो उस पर जोरदार तालियां बजी हैं सदन में। लेकिन 80 करोड़ लोगों को भोजन देना पड़ रहा है, अगर देश इतना आगे बढ़ रहा है तो 80 करोड़ लोगों को भोजन क्यों देना पड़ रहा है? मुझे सवाल ये भी खड़ा होता है कि 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत का जो एक कवच मिलता है मेडिकल का, वो क्यों मिलता है? ताकि अगर दरिद्र परिवार में कोई बीमार पड़ जाए तो दरिद्रता में और वो परिवार ना जकड़ा जाए, उस परिवार को सामान्य तौर पर एक हॉस्पिटल की मर्यादा में, परिधि में स्वास्थ्य के अच्छे लाभ मिले, ये हमारा राष्ट्रीय दायित्व है। दूसरा, एक तरफ हम MSP ऑपरेशंस चलाते हैं कि किसान का हक हम लोग संरक्षित करते हैं, सुरक्षित करते हैं। आज आपने प्रधानमंत्री मोदी को सुना कि 17 लाख करोड़ से ज़्यादा का MSP ऑपरेशन हमारे प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में हुआ। और तीसरी ओर कोविड की परिस्थिति, जो विषम परिस्थिति थी, उसमें जो हमारी रूरल परचेजिंग पावर है उसको अगर संरक्षित रखना है और हर परिवार की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने जो आगामी 5 सालों तक खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से ये 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त का राशन देने का निर्णय लिया है, वो सराहनीय है।